हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। व्लॉग, या काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की थी तो सोचा क्यों ना आज व्लॉगिंग की जाए। तो आज मैं व्लॉगिंग जो स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक तो जो कान के शेद, कई लोगों के ना यहाँ पे कान के शेद बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको हम छोटा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपके कान के शेद छोटे हो सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का आपने ध्यान भी रखना है बहुत ज़्यादा। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है जिससे आपके कान के शेद कम हो सकते हैं? और एक चीज़ और बताने वाली हूँ, मेरा भाई 2.5 साल के बाद घर आया है। वो कनाडा में रहता है और 2.5 साल के बाद उसने सरप्राइज़ दिया हम सबको। सरप्राइज़ कैसा रहा, मैं यहाँ पे थी तो मुझे वहाँ पे सब लोगों ने वीडियो सेंड किए हैं, वो आप लोगों को बताती हूँ। तो पति जी के साला साहब आए हुए हैं, है पति? मैं बोल रही हूँ साला साहब आए हुए हैं। सो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से जब उसने एंट्री की या सरप्राइज दिया, घर पे किसी को नहीं पता था तो क्या हुआ था, उसका एक क्लिप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। क्योंकि उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने शूट किया था उन लोगों से मैंने व्हाट्सएप पे वीडियोस मंगवाई और बहुत एक्साइटमेंट थी। मेरे बुआ जी का बेटा है गौरव, एंड बुआ जी बहुत ज़्यादा मतलब वो इतने इमोशनल हो गए थे, क्या बताऊँ। फूफा जी बहुत इमोशनल हो गए थे, एंड भाई को सुबह पता लगा। सुबह जब वो लाइक कहीं पर गया हुआ था तो जब वो सुबह आया डोर के पीछे गौरव छुप गया, और जब उसने एंटर किया कि सब इतने छुप के बैठे हुए हैं, जब उसने डोर खोला मतलब डोर के पीछे देखा कि सब डोर की तरफ क्यों देख रहे हैं, डोर के पीछे देखा तो गौरव इतना एक्साइटेड था वो, और वो बस वो भी बहुत इमोशनल हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी। यस, अच्छा हेलो, ओके, मेरे को भी ले लो ब्लॉग में। मुझे का पता नहीं बंदा स्पेशल क्या कहने के लिए आया है एकदम से, मुझे भी ले लो ब्लॉग में। बता दे, बढ़िया नहीं बनी है ब्लॉग में, ले लो। क्यों कर दूं डिलीट? कोई डिलीट नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं डिलीट करने वाली मैं, नो, इसमें कुछ चैरिटी होने वाली, बिल्कुल बिंदास ऐसे ही जाएगा वीडियो तो जैसे है। एंड मैं बात कर रही थी गौरी की, अभी वो वॉशरूम में है, बस आने वाला है तब बताती हूँ। इनको क्या हो रहा है, मेरी वीडियो रिकॉल देना, बिल्कुल नहीं निकालने वाली, अब तो बिल्कुल नहीं निकालने वाली हूँ। तो यस, उसको भी मिलवाती हूँ आप लोगों से। तो उसके बाद मैं उससे मिलने गई थी, तब वो चंडीगढ़ चला गया था क्योंकि मेरा प्रोग्राम अचानक बना, तो मैंने उसको कॉल भी नहीं की थी और हमें कुछ और भी काम था। तो अब वो स्पेशल मुझे यहाँ पे मिलने आया है, वो कल रात आया था, तो कल रात ने साला जीजा ने पूरा इंजॉय किया। और उसके बाद पंजाबियों का इंजॉय करने का ढंग कुछ और होता है ना। तो उसके बाद अब हम बातें बूते करके अब हम फ्री हुए थे, मैंने सोचा अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों से भी मिलवाती हूँ। मैंने आप लोगों से वैसे गौरव के बारे में बहुत बार बात की है, जब भी मैं कई बार ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ तो उसका कॉल आ जाता है दूसरे नंबर पे, तो मैं आप लोगों को मैं बताना भी चाहती हूँ कि ही इज़ गौरव, उसका कॉल आ रहा है ना, तो मैं उसी गौरव की बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, जैसे 4-5 का नाम तो मुझे रट्टा पता है मुझे कौन से हैं सब्सक्राइबर जो मेरे हमेशा ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा गौरव कौन है। तो जस्ट ही इज़ कमिंग और मैं अभी उसको आप एंड मैं एक चीज़ बता रही थी कि कान के छेद को हम किस तरह से श्रिंक कर सकते हैं। दोस्तों कई मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि कान के छेद जो हैं ये वाले बहुत बड़े हो गए हैं, वो क्यों होते हैं? सबसे पहले वो कारण बता देती हूँ। दोस्तों कान के छेद बड़े बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप बहुत टाइम से बचपन से या बड़े होकर हैवी ईयरिंग्स पहनते हैं तब कान के छेद काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप मतलब काफ़ी खींचाता नहीं करते अपने कानों के साथ, लंबे लंबे ईयरिंग्स डाल के निकालते ही नहीं हो, तब भी कान के छेद बड़े होते हैं। तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आप प्रॉपर ध्यान रखें, घर में आप जस्ट पार्टी फंक्शन या कहीं पे भी घर के बाहर जा रहे हैं तब ईयरिंग्स पहने, और जैसे ही एंटर करते हैं घर के अंदर तो सॉरी बंद हो गया था। मैं बता रही थी कि अपने कानों का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है, जब भी आप घर पे एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कपड़े चेंज करने से पहले आप अपने ईयरिंग्स उतार लीजिए क्योंकि हैवी होते हैं, स्किन को नीचे की तरफ खींचते हैं, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमें यूज़ करनी है ताकि हमारे कान के छेद जो हैं वो कम हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहला टिप्स रहेगा मुल्तानी मिट्टी हल्दी का, दोनों को मिक्स करके कानों पे लगाएं, उससे आपके जो दिस वन है उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं ताकि स्किन सॉफ्ट भी रहे, उससे श्रिंक ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप इन्हें कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक आपको लगातार यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है, आपने सिनेमन पाउडर सुना होगा है ना, सिनेमन पाउडर जो है उसे आपको लेना है
थोड़ा सा मुलेठी पाउडर लेना है और एलोवेरा जेल लेनी है, तीनों को मिक्स करके वो भी लगाए थोड़ा सा आप उसके अंदर। मुल्तानी मिट्टी जरूर डालिए और गाढ़ा सा पेस्ट बनाए वो, इसको अपने कानों पे जरूर अप्लाई करें, रात को अप्लाई कर लीजिए, दिने वॉश करें। कंटिन्यूस का इस्तेमाल करने से 3-4 मंथ लगातार प्रोसेस अगर आप इसका करते हैं तो कानों के शेद में बहुत फर्क पड़ेगा, आप बहुत छोटे होंगे, श्रिंक हो जाएंगे शेद। ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपके कान के शेद बहुत छोटे हैं उन्हें बड़ा कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। मोर के पंख सुना है आपने, एक्चुअली जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे कान के शेद जो एक्चुअली जो सेट सेट डालती है ना शादी में, ये पहन ले दुल्हन के लिए, ये है ना, तो मोटे मोटे टॉपर्स थे मेरे, तो उसकी जो एक डंडी थी ना पीछे वाली तो मेरे कान में फंस भी नहीं रही थी क्योंकि मैं इयररिंग्स नहीं डालती हूँ, तो वो मेरे कान में डालने थे तो है छेद तो छोटा था, डलेगी कैसे। तो क्या किया, 2 दिन पहले मोर का पंख होता है ना जो उसके पीछे की डंडी होती है ना वाइट कलर की, देखिए ना आपने, यहाँ पे बता दूंगी आपको, पिक्चर क्लिक कर दूंगी, यहाँ पे मोर के पंख जो है उसके पीछे जो डंडी होती है उसको आपने कान में रखना है, कान में उसे लगा लीजिए, कुछ टाइम रखे, 2 दिन रखे आराम से, तो जो इयररिंग्स आपने पहना है ना उसका पीछे का जो डंडा होता है वो आपकी इयररिंग्स आराम से पहने जाएंगे, तो वो आपके छेद को बड़ा करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए, ये तीनों टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आपने अपने कानों के छेद को बड़ा करना है या कान के छेद को छोटा करना है, ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं मिलवाती हूँ अपने भाई से। इधर बैठिए मोना कौर जी। मोना कौर जी, मोना यार मेरा निकनेम है गाइस, एंड ही इज गौरव जिसकी मैं बात करती हूँ। हेलो गाइस। या हेलो गाइस गौरव, मैं बता रही थी सब्सक्राइबर को कि काफी टाइम पहले तो लाइव थे मेरे साथ व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल थी, तो मैं व्लॉग कर रही थी, तो मैं जस्ट मैंने तुम्हारे बारे में व्लॉगिंग में बताया था, तो आई एम श्योर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को गौरी के बारे में पता होगा। गौरव कनाडा में रहता है और इसने एकदम से हम लोगों को सरप्राइज दिया। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मी तो रो रही थी। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मेरे मम्मा का रिएक्शन बड़ा बड़ा अजीब था, लाइक वो तो मेरे को लगा था बेहोशी हो जाएंगे मेरे को देख के। यस, आप लोग क्लिप में एंड में दिखाऊंगी क्लिप आप लोगों को। ऐसे ऐसे आ रहे थे गौरव, अगर मैं ना पकड़ता ना मेरे मम्मा को, मैं पक्का गिर जाना था, पक्का गिर जाना था यार। टिकले रोई जाना है करके अंदर रखे हैं मुझे ना। हां एक्चुअली सारे शॉक्स थे लाइक, है ना, लगता ही नहीं सी, किसी ने इमेजिन नहीं कर सकता सी क्योंकि सीरियसली गौरव, सीरियसली गौरव प्लान नहीं सी। गाइस क्लिप जो है ना लास्ट में दिखाऊंगी, बिल्कुल देखना नहीं भूलना है आपने क्लिप में ना, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है कि एक बच्चा जो 2.5 साल से आप उसको जस्ट वीडियो में देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, वो भी ऐसा जिसने कभी पानी का गिलास उठा के ना पिया हो, और हम सोच रहे थे कि वो बस उसको हमने जबरदस्ती भेजा था, पानी का गिलास उठा के नहीं पिया और कच्चा कभी साफ नहीं अभी कच्चे भी साफ होते हैं और पानी का गिलास भी उठा के पीता है ना, तो मतलब क्या कनाडा क्या सिखाता है सबसे पहले ये बताओ। कच्चा धोना और रोटी पकाना। कनाडा मेरे जैसे इंसान को उसने मतलब बड़ा बंदा बना दिया। सब कुछ मतलब सारा कुछ वहां पर अपने ऊपर ही होता है। हां, जो लोग कनाडा जाने का सोच रहे हैं ना भाई बंधु, वो एक बार इस मेरे भाई को जबरदस्ती भेजा गया था। यस, एंड यू नो गाइस जब इसका वीजा लगा तो ये लिटरली रो रहा था के वही हुआ जो चाहते थे। सब पूछ रहे कि हुआ क्या है, कितना मेरा कनाडा का वीजा लग गया। सो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सो क्या था कि जब इसका वीजा लगा ना तो ये बस बहुत रो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे जैसे दुल्हन होती है ना एक शादी वाली लड़की दुल्हन बनके जब उसको भेज दिया ना भी कुड़िए जा हम तेरा कर इतने दिया है ना, इसका वही हाथ है, इसको इस तरह से पकड़ के जबरदस्ती भेजा कि अब तू जा, तेरा इंडिया में कोई नहीं है। अपन मिल के थे अब एक तक अपन को तो मिले नहीं, ये हम है नहीं थे, हम चंडीगढ़ थे कुछ था तब भी, अरे मतलब थोड़े दिन पहले मिलके चले गए थे, पहले आए थे अपन। हां पहले चले गए थे तो मम्मी मेरे मम्मा छोड़ने गए थे एक्चुअली। ये मेरे बुआ का बेटा है, वो भी कंफर्म कर देती हूं वरना आप लोगों को कहोगे कि कंफ्यूजन है ये भाई, मतलब पहले क्योंकि हेमू भी आया ना मेरे ब्लॉग में। अच्छा, सो दैट्स व्हाई, ये मेरे बुआ का बेटा है, हमारी मतलब फैमिली बहुत क्लोज है, राइट। तो जब हमें पता चला कि बुआ ने फोन करके हमें बताया कि इसको जबरदस्ती भेजा है वहां पे, वो बहुत स्ट्रांग थी, जब भी इसको फ्लाइट में चढ़ा दिया कि हाँ अब ये चला गया वापस नहीं आएगा, और सभी ना इस तरह से घूर घूर के देख रहे थे वहां पे कि ये वापस भी ना जाएगा, तो इसका कुछ नहीं पता है, इतने पैसे सब खराब के ये कुछ नहीं पता इसके दिमाग का।
चला गया फिर बुआ रो रही है इतनी जोर जोर से कि पता नहीं क्या हो गया, मेरी दुल्हन को मेरी बेटी को बेचारी को विदा कर दिया। तो अब उसके बाद ये 2.5 साल के बाद वापिस आया तो बुआ तब खुश थी जब इसको भेजा था, और आज लिटरली रो रही थी कि हाँ वो 2.5 साल के बाद वापिस आया, वो भी उसने एक सरप्राइज दिया। हमारी पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, सबको पता था, सिर्फ गौरी की फैमिली को नहीं पता था, मतलब बुआ फूफा जी और छोटे भाई को। छोटे भाई का क्लिप भी एंड में है, उसका भी रिएक्शन देखने वाला था उस टाइम पे जब ये आया, तब वो नहीं था राइट। तो वो आया अगले दिन सुबह, ठीक है, अगले दिन सुबह जब वो आया तब ये छुप गया था। उसने एकदम को अब एकदम से इसको देख के उसका भी रिएक्शन कुछ अलग था कि यार ये क्या हो गया भाई तू। वो भी चिल्ला रहा है जोर जोर से, रो रहा है वो भी, रोने लग गया वो भी। वो तो शॉक चीज थी, मतलब नॉर्मल तरीके से एंटर करा कमरे में, मैं मेन रूम च ही बैठा थी ना, तब मैं जेट लैग करके नींद, मेरे को नींद नहीं आती जेट लैग करके। तो फिर वो रूम में एंटर करा, मैं डोर के पीछे लुक गया, वो एंटर करा, उसने ऐसी घड़ी उतार रहा अपनी, उधर पीछे मुड़ के देखा और मैं शॉक ये क्या हो गया। और प्लानिंग बहुत खतरनाक थी इस चीज की, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था, प्लानिंग बहुत खतरनाक थी। ये पहले दिल्ली रुका कि मुझे अभी घर नहीं जाना क्योंकि मम्मी नहीं थी, करनाल थी। मैं मम्मी को सरप्राइज देने आया मैं। अच्छा तो क्या हुआ, मम्मा मेरे घर वाली यात्रा बहुत करते हैं ना, मुझे इंडिया के पता लगे मम्मा यात्रा पे चले गए, तो मैं 2 दिन तक दिल्ली रुका रहा दोस्तों के पास, मेरे लिए सरप्राइज हो गया, मैं वहाँ 2 दिन लगे रुका हुआ हूँ। और फिर पापा का मुझे फोन में घर वालों से अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था 2 दिन से, घर वालों को मेरे को बस गालियां देने वाले थे कि तुम से बात क्यों नहीं कर रहा अच्छे से। तो फिर जब जिस दिन पहुंचा फिर वो मेरे को बता रहे थे कि अगर आज तू फोन ना करता ना आज तुझे बहुत गालियां पड़ती, गालियां पड़ती थी, और इसको बहुत गालियां पड़ती हैं स्पेशली बुआ से। बुआ मतलब दिखाते हैं कि वो इसका साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको मतलब अगर कोई भी मैं भी देखूंगी ना तो ये लगता है कि वो इसके ऑपोजिट है क्योंकि इतनी गालियां खाता है, लेकिन वही है जो इसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माँ अपने बच्चे को बहुत गालियां जरूर देती है लेकिन सीधा भी वही रखती है, हाँ जिससे लड़ाई होती है प्यार भी उसी से होता है। तो एक्चुअली पता क्या गौरव, मेरे को ना मेरी सिस्टर सभी इसके घर पे थी तब, तो मनीषा का कॉल आया मुझे, तो उसने मुझे मम्मी का, सबसे पहले मैं चंडीगढ़ थी जब ये घर पहुंचा पटियाला, तो मैं चंडीगढ़ में थी है ना, जब लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना चंडीगढ़ के, उस टाइम में वहां पे थी और ये घर पे आ गया था। मम्मा का कॉल आया मुझे सुबह, मम्मा कहते हैं तेरे को पता चला, मैंने कहा बताओगे तभी पता चलेगा, कहते अरे गौरव आ गया, मैंने कहा गौरव, कहते हाँ गौरव आ गया, उसने सरप्राइज दिया, मैं तेरे को अभी वीडियो देख रही हूँ, पहले वीडियो देख फिर बात करेंगे। पिक्तु ने स्टेटस पाया, तो पिक्तु ने स्टेटस डाला, हाँ तो फिर जब मैंने मतलब देखा मैंने कहा ओ माय गॉड मम्मा सीरियसली, तो फिर इससे बात की, तब ये घोड़े बेच के सो रहा था, और ये जब से आया ना गाइज इतना सोता है, अभी मेरे पास भी आया ये बहुत सोता है सीरियसली, कहते हैं ना टाइम चेंज हो गया, यू नो सिस्टम इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है एकदम बंदे का, एक चीज में रहना गर्मी सबसे ज्यादा इस बर्फ के पुतले को ना सबसे ज्यादा तो गर्मी लगती है, देखो कितना सारा बेचारा कमजोर हो गया, पिघलता जा रहा है, ये देखो पिघलता जा रहा है। यस तो ये होता है एक्चुअली, हाँ मेन बात क्या है वो बताती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि घर पे एकदम लड़का आया, सरप्राइज है, मम्मी पापा बहुत रो रहे हैं, है ना एक्साइटमेंट है, हम वीडियोस देखते हैं ना हमें लगता है कि दूसरों की वीडियोस देख के यार सीरियसली ऐसे हुआ ऐसे, इतना रोने की क्या बात है, कोई बात नहीं है ना, ये लगता है हमें रोने की क्या बात है। मनीषा का कॉल आया ना, जब मनीषा कहती दीदी जो हमने फील किया ना उस टाइम पे, हम वीडियो जो देखते हैं, हाँ सभी वो कहते हम भी इतने इमोशनल हो गए थे ना कि हाँ कोई हमारी फैमिली, हमारा फैमिली मेंबर जिसने 24 घंटे मेरी वीडियो देख के वो भी रोने लग गए। हां वो तो एक्चुअली फैक्ट है, जो बंदा आपके पास है, आपका फैमिली मेंबर है, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, और वो एकदम आके सरप्राइज दे दे इतने टाइम के बाद, तो यस होता है, ये फैक्ट है कि बहुत प्यार करते हैं सब लोग, एकदम से आके
सरप्राइज देना अच्छी बात है एंड छोटे छोटे सरप्राइज अच्छे लगते हैं, देने भी चाहिए, उससे ना एक अलग सी खुशी मिलती है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे सरप्राइज देते रहे, अपनी मम्मी पापा को, इसी तरह से इस बिगड़े लड़के को इंडिया में से निकाल के हमने बहुत अच्छी बात की है। ये बंदा पहले कहता था मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब ये कहता है मैं इंडिया में घुसूंगा। ये वही है जो मतलब पूरा कनाडा ने इसको सुधार दिया है, बिल्कुल सीधा करता है, कहते हैं तीर वांगू, तकले वांगू, तकले वांगू। अभी पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर को बताना पड़ेगा तकला क्या होता है। जो गांधी ने चरखा ऐसे ऐसे घुमाते थे उसके, जो हां जो तकला वो होता है जो लंबा लंबा होता है, धागा बनता था उसको ऐसे ऐसे करके तकला। कनाडा में जाके मां-बाप की कदर आ जाती है बंदे को। हां मम्मी पापा की, यहां पर तो मां-बाप की कदर हम नहीं करते, पर वहां जाके कनाडा में जाके मां-बाप की कदर आ जाती है। अभी नीचे पता लोगों का कमेंट क्या आएगा, नहीं नहीं मैं अपनी मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सबको पता है कौन कितनी करता है, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नीचे अच्छे वाला कमेंट करना, यहां पर तो हम मना कर देते हैं कि हमको ये सब्जी नहीं खानी है, ये नहीं खानी, पर जल्दी मां जल्दी रोटी भी स्वाद लग रही होती है। वहां पर ये क्या करता है कि रात को रोटी बनाता है तो उसको बना के सुबह की भी बना लेता है, सुबह की भी बना के रख देता है कि सुबह बनानी ना पड़े, बनानी ना पड़े वही खाता है। एंड शिफ्ट कितनी लगाते हो भाई आप? मैं दो जॉब्स करता हूं, एक 9 to 5 और एक 7 to 11। एक दिन में मतलब एक दिन में दो जॉब, 15 आज काम कर लेता हूँ, 15 घंटे। मतलब ये सुबह उठता है 6 बजे ना, 6-7 बजे उठता है, रात को 11 बजे घर में घुसता है, ये दो जॉब करता है, एक 4 घंटे की एक 8 घंटे की, बस ऐसी जिंदगी निकलती रहती है। तो कनेडा जाने वाले हो ध्यान नाल इतने कुछ बन सकता है, सब तो बेस्ट आ राइट। तो जरूरी नहीं है कि देश छोड़ के सब कुछ बनूगा। बड़ी बिल्डिंग्स देख के बहुत कुछ है वहाँ पे, हाँ बहुत कुछ है, पर अर्न करना पड़ता है, उसके लिए भागना पड़ता सुबह उठ के शाम को, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। या वन थिंग मोर गाइस, अगर आप चाहते हैं कनाडा की लाइफ के बारे में, तो मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगी कि वहाँ की लाइफ का एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें, वहां से मैं इससे ब्लॉग जरूर बनवा के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप लोगों को नीचे कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे जॉब करता है वहां का व्यू जैसा भी है, जो काम करता है, जहाँ पे इसका रूम है, लाइक सारा जो है इसका व्लॉग, कनाडा लाइफ का व्लॉग जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन आपको नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा कि कनाडा की लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और या कुछ भी जानना चाहते हैं कनाडा के बारे में, तो मैं इससे आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनवाऊंगी। तो भाई वीडियो बना दोगे ना अगर कुछ किसी को चाहिए होगा कनाडा एक्सपीरियंस के बारे में? या ओके गाइस, तो नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। पति जी बाय। पति का पेट निकल गया। ओके बाय। भाई है ही नहीं पेट। है पेट। देखो है ना? नहीं नहीं अंदर है, वो टी-शर्ट के साथ लग रहा है। बड़ा वो टच कर गई। इतना चल रही है। इतना चल रही है पंजाबी मुंडा यार, इतना चल रही है। बाय बाय। वेलकम बैक।
भगवान का दिया सब कुछ है, गड्डी गुआंढी दी गुआंढी जी।